क्या है? दोनों भाभी माओ को प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं सक्सेना जी? भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। मीट माई फ्रेंड डकवर्थ लुईस फ्रॉम लंडन। हाय, हेलो। कहाँ टकरा गए? टकराया नहीं भैया, लंदन की बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी इवेंट कंपनी चलाते हैं। पगलेट है क्या? नहीं नहीं भैया, बिल्कुल दुरुस्त है, पगलेट नहीं। तो फिर आपके साथ काहे घूम रहे हैं? अरे भैया क्या है ना कि इनको मुगलिया सल्तनत का जो सब्जेक्ट है वो बहुत पसंद है, बहुत ही फेवरेट है, चाहते हैं कि फिल्म बनाएं उस पे। मैंने कहा भैया ऐसी गलती मत करो, फिल्म नहीं बनेगी, फिल्म नहीं चलेगी इस जमाने में, मत बनाओ फिल्म। सक्सेना जी बनाने दीजिए ना उनको, बनाना है फिल्म तो। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके पैसे तो नहीं लग रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं नहीं भाई, मैं एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैंने इनको एक अच्छी सलाह दी। मैंने कहा कि मुगलिया सल्तनत पर फिल्म बनाने से अच्छा है कि एक नाटक बनाया जाए और उस नाटक के शोज करें लंदन में, है ना। और इनको मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आया, तैयार हो गए और नाटक मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब उस नाटक में रोल करें और लंदन जाएं, शोज के बहाने घूमें फिरें, ऐश करें। बताइए कैसा लगा मेरा प्लान? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आप बोलिए जिल्ले इलाही। क्या बोले? जिल्ले इलाही। अजिला अलाबादी। इट्स नॉट जिला इलाहाबादी, इट्स जिले इलाही। जिले इलाहाबादी। अब ये अलाहाबाद क्यों घुसड़ रही है बीच में? इट्स नॉट, फॉरगेट इट, लेट्स मेक इट सिंपलर। आपको मैं सिंपल देता हूँ कुछ, ओके। बोलिए माँ बदौलत। अम्मा की बदौलत। नहीं, अम्मा की बदौलत नहीं, माँ बदौलत। माँ की बदौलत। माँ की बदौलत नहीं भाभी जी, इट्स जस्ट माँ बदौलत, दैट्स इट। माँ की दौलत। लगता है आप उर्दू सिखाते सिखाते मेरी उर्दू, मतलब मेरी उर्दू खराब हो जाएगी। क्या बोले? मैं आपको एक और वर्ड देता हूँ, सिंपलर एंड बेटर। बोलिए जलालुद्दीन अकबर। जला हुआ अजरुद्दीन अकबर। अभी जी मैं स्टेज पे आग लगाऊं ना लगाऊं, आप तो लगा ही देंगे। सी ऑन स्टेज। अजय कहाँ जा रहे हैं? हमको उर्दू तो सिखाइए। जला हुआ अजरुद्दीन अकबर। आप बताइए, आप जोधा भाई का रोल कर रही है ना भाभी जी? मैंने अभी उसके बारे में सोचा नहीं है, सोचूंगी। भाभी जी आप जोधा भाई का रोल कीजिए ना, ताकि हमें भी आपके साथ अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। क्यों, आप बादशाह अकबर का रोल कर रहे हैं? अगर आप जोधा भाई बनेंगी तो हम बादशाह अकबर ही होंगे ना भाभी जी। जी भाभी जी। ओह गॉड, सॉरी सॉरी दिवाची, रियली सॉरी। लेकिन ना मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप बादशाह अकबर का रोल करेंगे। भाभी जी अचानक हादसे की गंगा काय बहाने लगी? तिवारी जी आप किसी भी एंगल से बादशाह अकबर नहीं लगते। ये आप क्या कह रही हैं? सीरियसली कहां बादशाह अकबर की पर्सनालिटी और कहा आपकी पसंदी? भाभी जी आपको हमारा व्यक्तित्व अकबर जैसा नहीं लगता, कोई बात नहीं, शायद आप सही भी हो सकती हैं। अरे भाभी जी कहीं खुद को अनारकली और हमें सलीम के रूप में तो नहीं देख रही हैं? शायद खुलकर कह नहीं पा रही हैं कि हमारे अंदर उन्हें अकबर नहीं बल्कि सलीम नजर आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है भाभी जी तो फिर हम अकबर नहीं सलीम बनेंगे। तिवारी जी, I'm so sorry, आप बुरा मान गए ना? नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं, हम आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। So sweet.
लेकिन हम आपका इशारा समझ गए। कौन सा इशारा? वक्त आने पर बताएंगे। अच्छा बादशाह ऊपर जी, मैं ना आपको बादशाह अकबर इमेजिन कर करके हंस रही। हंसिए भाभी जी हंसिए, दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें आपका हंस देना हमारे हाल पर अच्छा लगा। तिवारी जी यू वेरी फनी। He's really funny. नहीं आप समझ, देखिए देखिए दुनिया भर में ये मशहूर है कि सक्सेना कभी भी अपने काम के साथ समझौता नहीं करता है। असली कॉस्ट्यूम मुझे चाहिए तो चाहिए, बस बस बस, नहीं है तो बनवाइए। हाँ, उसमें असली हीरे जवाहरात जड़वाइए, असली से भी ज्यादा खूबसूरत लगने चाहिए। समझ रहे हैं अपनी बात सक्सेना जी? हाँ ठीक है, आप मुझे सैंपल दिखाइए, सैंपल दिखाइए आज। हाँ सक्सेना जी। अरे भैया क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप मुझे? मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सक्सेना जी? हाँ आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। पता है आपको मेरी क्या हालत है? पूरे प्ले में क्या होगा कॉस्ट्यूम सब मुझे सोचना है, स्टेज कैसा होगा, डिजाइन क्या होगा, लाइटिंग कैसी होगी, जो कैरेक्टर्स हैं उनका लुक क्या होगा, कितना दिमाग उलझा हुआ है मेरा, पता है आपको? I understand. बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर, मैं समझ सकता हूँ। एक छोटी सी दरख्वास्त थी आपसे, इफ यू डोंट माइंड। बाकी है माइंड योर लैंग्वेज, यू टॉक टू अ जेंटलमैन। एक्चुअली क्या है कि यू नो जो सलीम का जो रोल है, अगर आप मुझे दे दें तो लगता है कि मैं सलीम बेटर कर पाऊंगा, बिकॉज आई वॉक लाइक सलीम, आई टॉक लाइक सलीम, मुझ में एक सलीम पना है। और जो अनारकली का रोल है वो भाभी जी को दीजिए, बिकॉज भाभी जी अनार बहुत खाती हैं और एक कली की तरह है वो, और उनके चेहरे पर वो एक नाइसनेस है, एक गुडनेस है, एंड वी जेल ऑल्सो वेरी वेल टूगेदर। ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है, पर ऐसा मुझे नहीं लगता है। डायरेक्टर तो मैं हूं ना, तो जैसा मुझे लगेगा मैं वही करूंगा, है ना? हाँ। फिर भी आप सोचिए एक बार, मतलब मैंने अपना प्रस्ताव रख दिया आपके सामने। देखिए भैया कौन क्या रोल करेगा इसका डिसीजन मैं आज रात को लूंगा और कल आप लोगों को बता दूंगा। अभी आप जाइए यहाँ से प्लीज। सक्सेना जी डकत ये तहमत माने और ये बनियान पहने क्या कर रहे हैं आप? कबाब से कर रहे हैं, कबाब, मुगलई, मुगलई फूड, मुगलई फूड के बड़े शौकीन हैं। कबाब के जरिए मुगलिया सल्तनत में घुसना चाहते हैं। नाइस वे। एनीवे आप फिर भी सोचिएगा आप मेरे बारे में। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। ऑल राइट। हेलो तिवारी जी। हाय। शाम तक पक्का ले आना सैंपल। और सक्सेना जी कैसे हैं? आपको भी सलीम बनना है? अरे आपको कैसे पता? मुझे पता है ना, अभी आपके पड़ोसी भी आए थे, उनको भी बनना है सलीम, वो भी यही रिक्वेस्ट लेके आए थे। एट वो किस एंगल से सलीम लगते हैं? आप किस एंगल से सलीम लगते हैं? कबाब सीखता रहे। हाँ, दोनों भाई माओं को और भैयाओं को प्रणाम। ओके ओके, क्या हुआ सक्सेना जी, आप तो प्ले लिख रहे थे ना, और आज आप हमें बताने वाले थे कास्टिंग, डिसाइड किया आपने? We are excited. जी भैया आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ, स्क्रिप्ट पूरी हो गई है, इट्स फिनिश्ड, इट्स कंप्लीट, और अभी मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि किसको क्या रोल देना है, अभी अनाउंस करूंगा। हाँ तो जल्दी बताइए ना, हम बहुत हाई टाइड है। अभी जी एक्साइटेड। हाँ सही पकड़े हैं, बताइए बताइए। ओके तो सबसे पहले मैं खुलासा करना चाहूंगा कि सलीम और अनारकली के किरदारों को कौन कौन निभाएगा। और अनारकली का जो शानदार किरदार है उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर उस किरदार को कोई निभा सकता है तो वो है हमारी अंगूरी भाभी माँ। It's called Bullseye, right casting. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।